हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चल चल के अंदर चली जाती है और बदक की तरह 5 मिनट में जो बाहर आ जाती है चल के कि मेरी FIR हो गई, ये सब जो झूठ है। और आखिर सावंत को ही आता है बोलना, बट मेरी FIR बिल्कुल सच है जो मैंने 16 तारीख को की थी। मैं आपको डेट और टाइम दोनों बताती हूँ। 16 तारीख की डेट है और शाम को 7:00 एक झूठा आरोप लगा था ना, जो राखी ने मुझे झूठे झूठे आरोपों में मुझे फाइल करवा के जो जिस आरोप में बेबुनियाद आरोप में मुझे जेल हुई थी, उस आरोप के चक्कर में मैं आया हूँ। वी हैव अप्लाइड फॉर अक्वाशन मुंबई हाईकोर्ट, ये जो बोल रहा है, जहाँ से मुझे न्याय मिलेगा बहुत जल्द। हमने अक्वाशन के लिए अप्लाई किया, ये रहे कागजात। तो एडवोकेट ने फाइल किया आदिल के खिलाफ जो FIR फाइल हुई थी, राखी साहू ने फाइल किया था वेरियस सेक्शन 406, 504, 506 के अगेंस्ट, और लेटर ऑन उस पर 498 और 377 भी ऐड कर दिया था। तो वो जो सेक्शंस है, हमने उसको प्रॉपरली देखा, वो सेक्शंस कैसे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कैसे सेक्शंस लगते नहीं है, हमने उसको पूरी तरह से पिटीशन में डाला है। और साथ साथ एक बहुत ही चीज़ है, हमने जो इनके अकाउंट्स भी फ्रीज हुए थे उसको भी हमने डी फ्रीज करने के लिए एप्लीकेशन डाला हुआ है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आज वो जो फाइल हो चुका है, इसलिए मैंने ये सोचा था कि चलो जाने दो, मैं देखती हूँ, अभी मेरा FIR हो चुका है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। आज इस लड़की ने मुझे मजबूर किया है कि मैं बाहर आऊँ, मैंने छोटा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ और मैंने रिवील किया है। इसलिए औरत, उस घटिया औरत के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, उसे सेलिब्रिटी बनने का, बॉलीवुड में जाने का बड़ा शौक है, तो उसके पास सिर्फ मैं एक ही हूँ और तो कोई उसको पूछेगा ही नहीं ऐसे घटिया लोगों को। यू नो, 8 साल उसने मेरा टाइम बर्बाद किया, मेरे नाम की पब्लिसिटी का ही शेमान। तो मैं राखी के घर पड़ी रही, राखी के बिल्डिंग के नीचे, राखी के दरवाजे पे, या राखी की जो सोफाइड अकेडमी जो कभी जिंदगी में खुली ही नहीं, मैं वहाँ पड़ी रहती। राखी मेरे दरवाजे पे क्यों पड़ी रहती? राखी मेरे नेला स्टूडियो में क्यों पड़ी रहती? राखी मेरे घर में क्यों पड़ी रहती है? अभी आप मुझे बताओ, मुझे फेम की जरूरत है या उसको जरूरत है? वो किसका यूज कर रहा है? आपने ऑलवेज देखा है जन्नत मेरे घर में और मेरे दुकान में पड़ी रहती है। तो राखी सावंत का मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कौन सा फेम राखी सावंत का फेम नहीं है, ये बंद है। कैमरा, उन्होंने ये बोला राखी को, ये सिखाया कि आप एक काम करो, अपने क्लाइंट को फ्रंट ऑफ कैमरा कौन सिखाता है कि आप ऐसे ऐसे बोलो कि राजश्री आपके घर आके आपके पर्स में से पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है, चोरी मुझ पर डलवाना, एक और केस कंप्लेन करना, उन्होंने किया भी है मेरे खिलाफ कि मैं उनके घर जाके आदिल का पासपोर्ट चोरी करके आई हूँ। सच नहीं है, उन्होंने खुद मुझे वो पासपोर्ट दिया था। काशिफ खान उनको ये सिखा रहे, तो इस वजह से मैं आज गई पुलिस स्टेशन और उनके ऊपर कंप्लेंट की। फिर मैंने सोचा जब मैं पुलिस स्टेशन जा ही रही हूँ तो एक चीज़ का और खुलासा करूँ, जो कि मैं 10 दिन पहले कर चुकी थी। देख, तू तो खुद ही कचरा है, तो तुझे कचरा ही खाएगा ना तू? हाँ, 24 घंटे उसकी गोद में पड़ा रहता है। अरे शरण का शरण हो, पायो पायो, समझ गया ना, पायो। आज मैं ऊपर, आज मैं नीचे, आज मैं आगे, समा है मेरे पीछे, आज मैं ऊपर, तो हाँ, इतनी ब्यूटीफुल कार जो मुझे मिली है, ये लोग जिस कार के बारे में बात कर,
किसी इंटरव्यू में कि मैं राखी को पैसा देना चाहती थी और राखी मुझसे पैसे नहीं लेती थी, तो आज इतने सारे चैनलों में के सामने मैं बोल रही हूँ राखी सावंत भिकारन कोलैबोरेट करने वाले लोगों के साथ भीख मांगने वाली तू, तीन तीन धर्मों वाली, ठीक है, 8 साल जितना तूने मुझसे लिया है ना फ्री का, अगर तुझमें शर्म है ना बेशर्म औरत, मुझे ना पैसे भिजवा दे, चल तू सब पूरे कैमरे के सामने पैसे भिजवा दे, 1 रुपया नहीं दिया है उसने मुझे कभी, सलमान ने नहीं उठाया है, ये राखी पैसे लेकर आपको कवर कर रही है, बिल्कुल कितना पैसा हो गया आपको, आदिल को हम लोग पैसे वो देते हैं और हम लोग कवर। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि ये सवाल राखी सावंत ने उठाया है, राखी सावंत की बातों में कितनी सच्चाई है, देवंत से लेके आज तक उसने एक भी सच बात बोली है, ये राखी सावंत को तो देना पड़ेगा, राखी सावंत सुन मेरी बात, मैं फिर से बोल रही हूँ तुझे, ये अपना जो मुंह बोलती है ना तू, नाले वाला मुंह, ठीक है, अब वापस से डिफेमेशन कर ले मेरे ऊपर, मैं ओसुरा पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी हूँ, क्या करेगी डिफेमेशन करेगी, नाले वाली तू, नाले जैसा मुंह तेरा, तू ये साबित कर दे कि कितने मीडिया को मैंने पैसे दिए हैं और कितने लोगों ने मुझसे लिए हैं, एक कुछ से आप लोगों को टारगेट कर रही है ताकि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे, अगर वो ये सब आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि मैं पैसे बांट रही हूँ इसलिए सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग सच्चाई पहुंचाना बंद कर दोगे, राखी सावंत तुम्हारे बाप के खरीदे हुए नहीं है ये लोग, समझी, इनका काम है, मीडिया का काम है सबकी साइड रखना, सच दिखाना, सच झूठ इनका काम नहीं है, सच झूठ कोर्ट देखेगा, इनका काम है लोगों तक हर बात पहुंचाना, तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है, स्टेशन में भेजने वाली, फिर सारे स्टाफ आए हैं मेरे पास कंप्लेन लेकर।